विश गुड मॉर्निंग, हैप्पी विश्वकर्मा पूजा। विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं भी नहा धुला ली हूँ, अपने घर में भगवान को पूजा वगैरह कर ली हूँ। मैं इंतजार कर रही कि पतिदेव नहा धुला के निकले ताकि गाड़ी को थोड़ा सा पूजा कर दिया जाए, माला वगैरह फूल उल पहना दिया जाए। साल में एक बार नया माला पहनाने के बाइक वगैरह को मौका आता है, तो इस उपलक्ष्य में हम लोग अपनी गाड़ी को पूजा करते हैं। यहाँ उड़ीसा में तो नहीं होता है आज, तो चलिए देखते पतिदेव कितना जल्दी नहा के निकलेंगे, क्योंकि 8 बजने वाला है और उनको ड्यूटी भी जाना है। बाकी हम बैठे हुए हैं, तो चलिए आप लोग बने रहिए, जैसे पतिदेव निकलते थोड़ी छोटी मोटी पूजा कर लेते हैं। हिलाइएगा नहीं तो गिर जाता सब। ए आपको बांधने नहीं आता? तो बनाए अगले साल से कार का भी पूजा होगा। पानी सारा रख दिए ना? हाँ। फूल दोनों पर रख दिए थे? हाँ। सब्जी रख लिए है? चार्ज नहीं हुआ? फुल चार्ज था। हाय मैनेजर साहब, अरे अभी पूजा होगा, अभी तो जाहिर है। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं बेटा, प्रसाद है ना पूजा का। फ्रेंड्स फाइनली हमारा पूजा घर मतलब बाइक अपाची सब का कर लिए हैं, और हमारी बेटिया रानी सब सो के सब उठी है, और पतिदेव चले गए अभी ऑफिस। उनके ऑफिस में कुछ प्रसाद वगैरह ले जाना चाहिए, विश्वकर्मा पूजा था, तो पतिदेव वही प्रसाद वगैरह लेके जा रहे हैं अभी पूजा के लिए। मौसम दो दिन से खराब, मेरा पूरा सर्दी जुकाम लग गया, एकदम रात भर लग रहा था जैसे कि फीवर हो रखा है, अजीब सा फील हो रहा था। तो मैं सुबह जल्दी नहा धुला के पूजा वगैरह कर ली हूँ, घर में सब काम फ्री हो गई। तो हमारी पूजा वगैरह बाइक की और स्कूटी की दोनों की हो गई थी, और पतिदेव अपने ड्यूटी चले गए थे, और वो ड्यूटी में अपना कुछ पूजा के लिए प्रसाद वगैरह घर से मतलब हम लोग का एक दिन पहले खरीद के ला के रखे थे, वो सब भी लेके चले गए हैं प्रसाद वगैरह, और उसके बाद चलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आज दो दिन बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि दो दिन से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी जो कोई वीडियो भी मैं अपलोड नहीं की थी, और नहीं तो मैं मोबाइल देखने का भी इच्छा नहीं हो रहा था। इतनी ज़्यादा आँख में मतलब बुखार से फीवर से जलन दे रहा था ना, जो मेरा बिल्कुल बोलने का इच्छा ही नहीं कर रहा था, और वीडियो बनाना तो दूर की बात है। मैं तो कंटिन्यू दो दिन से इतना सोई हूँ ना, आज मेरा नींद फाइनली भाग गया, लगता है कि पहली बार मेरा नींद पूरा हो गया, नींद नहीं आ रहा है आज। तो कल और परसों तो मैं सारा दिन बेड में सोई रही और नींद मुझे आते रहा कंटिन्यू। मैं वही सोच रही थी इतना नींद क्यों आ रहा है मुझे, तो मुझे संडे को मैं बारिश से भीगने की वजह से या जो भी हो, सीजनल अभी हो रहा है सबको, तो मुझे पूरा सर्दी जुकाम पकड़ लिया था, फीवर उवर सब हो गया था। तो मेडिसिन खाने से आज थोड़ा सा मुझे अच्छा मतलब फील हो रहा है, सही लग रहा है, तो इसीलिए मैं वीडियो ब्लॉग कुछ भी नहीं बनाई थी उस दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन। पूजा वगैरह तो मैं अच्छा हुआ जो सुबह जल्दी नहा के पूजा वूजा कर ली और पतिदेव से करवा लिए, और पूजा वगैरह करके पतिदेव ड्यूटी गए, और उसके बाद अचानक से मुझे फीवर जैसा लगने लगा, और मन अजीब सा थकान सा लगा, मेरा बदन टूट रहा है, फिर मैं आके बस ऐसे सो गई। और दो दिन से मेरे घर की हालत जो हो रखी है गाइस, मैं क्या बताऊँ, मेरा किचन का चूल्हा देख के अजीब लग रहा है। उस दिन तो मैं लिट्टी वगैरह बनाने के लिए सत्तू वगैरह मिला के रखी थी, तो रात को कैसे भी हल्का फुल्का बना दी, और कल तो पतिदेव बाहर से खाना पैक करा के लाए, और दो दिन से हमारे घर में तीन दिन से चाय तक नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारे पतिदेव को बनाने नहीं आ रहा। मैं बोली मैं उठ के जाऊंगी ही नहीं बनाने, तो ना मैं चाय पी रही हूँ ना वो पी रहे हैं, दो दिन तीन दिन से चाय बंद है, ऐसा हाल हो रखा है घर में। दूध बॉयल तक नहीं हुआ था, वो भी रखा हुआ था, तो मैं आज उठी हूँ तो सारा दो दिन का 2 लीटर दूध बॉयल की, 1 लीटर आज का रखा हुआ है। मतलब घर का एक औरत के बीमार पड़ने से घर तहस नहस होने लगता है, और मेरे हस्बैंड को मैं कितना बार बोलती भी हूँ जब आप भी सीखो सब कुछ, फिर वो
कर लेते हैं, लेकिन हर एक चीज़ जो होता है ना, हर एक चीज़ नहीं कर पाते। किचन का काम तो बिल्कुल नहीं कर पाते। कल रात को थोड़ा बहुत कुछ बनाए थे तो किचन का अवस्था खराब कर दिए है। तो यही सब है, तो सर्दी जुकाम की वजह से हम वीडियो डिसकनेक्ट कर रखे थे। आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं सब लोग। अभी सीजन ऐसा ही चल रहा है, कुछ सीजन ही ख़राब है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, शाम का 6 बज रहा है। तो मैं आज तीसरा दिन मैं फ़ोन उठाई हूँ, तो मैं सोची चलो थोड़ा सा कुछ आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ। एकाएक पूजा पाठ करने के बाद हमें क्या हो गया था, हमें खुद ही पता नहीं अचानक से क्या हुआ। अचानक से हमें क्या हो गया पता नहीं मुझे। तो बाकी चलिए आप लोग बने रहिए, पतिदेव का आने का इंतज़ार करते हैं। तो कुछ मुँह में ना बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अभी भाभी जी खूब बढ़िया चटपटा सा साग बनाई थी तो मेरे लिए लेके आई थी, तो थोड़ा सा मैं खाई, लेकिन वो भी मुझे कड़वा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और इस टिफिन में छोटा आंवला का दी है, आंवला का तो खा के कुछ बनाई है तो दी है, जो बैठ के आप मुँह में डाल के चूसते रहिएगा, जिससे सर्दी जुकाम सही हो जाएगा और मुँह का भी टेस्ट बदल जाएगा। तो इसी को बैठ के मैं अपने मुँह में रख के सच में तब से खा रही हूँ, सच में कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, पता ही नहीं चला क्या खाऊंगी जो टेस्ट अच्छा लगेगा। तो चलिए बाकी फिर मिलते हैं, आप लोग बने रहिए। हम बीमार थे इसलिए डैडू हमारे लिए मिठाई लेके आए। मारे नहीं, हमारे हस्बैंड मेरे गिफ्ट देना भूल गए थे, मेरे हाथ में डैडू गिफ्ट देना भूल गए थे ना, तुमको दिए। कहाँ से लाए पतिदेव, खरीद के लाए क्या? देखिए मान भी नीचे करो, लड्डू मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर खा तो मोतीचूर चूर के लड्डू बहुत बढ़िया रही हो। गाइस को मरा बोलती हैं, आज देर लेट से आए, क्यों लेट से आए जी? पौने सात हो गया है, चेंज कर सो जाइए पतिदेव। मुँह तो बेटी लगा करके सो जाइए। तो आज हमको पतिदेव खाना खिला रहे अपने हाथ से। अरे हम इधर इंतजार कर रहे हैं, आप उधर मुंह में डाल लिए, ये कौन सा बात हुआ भाई? कैमरा चल रहा है ठीक ना, ऑन कैमरा चल रहे हैं आप, समझ जाइए कितना लोग देखेगा आपका ये हरकत। अरे वाह खिला दिया नहीं सानो बेटा, ऑन कैमरा के बात पर कर खिलाए तो सही। तो कभी भी नहीं खिलाते, खिला रहे हैं। क्या बोले सानो, तुमको तो डैडू कभी भी नहीं खिलाते, आप खिला रहे हैं। आज आप बहुत प्यार कर रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं हमको? अच्छा हमसे प्यार हो गया है, पहले पड़ोसी से था। अरे अरे दिल बना के दिखा रही है, सालू बहुत तेज हो गई है। चलो खा लेते हैं, पतिदेव बनाए हैं टेस्टी टेस्टी खाना और प्यार से अपने हाथ से खिलाए भी हैं, वो दिखाएंगे नहीं क्या बनाया है, दिखा लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हो गया, आज पतिदेव ने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया और अपने प्यारी प्यारी हाथों से एक और खिलाया, जबरदस्ती करने पड़ी सही। मम्मी तो आज सर दुख रहा है, दबा दे। हाँ बेटा बहुत दुख रहा है, तो सानवी ने मेरा बहुत सर दबाया। कैसे कैसे दबाए थे सानवी? और कैसे दबाए थे? और कैसे पैर से भी? सानवी से पैर से भी मैं सर दबा ली थी, इतना ज़्यादा मेरी सर दर्द। अभी नहीं दबाएंगे पैर से, मतलब पैर से भी ये दबा दी है, मेरा इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था इसकी वजह से। अब ठीक है, बेटर फील कर रही हूँ आज मैं, अच्छा फील कर रही हूँ। हाँ बेटा मेरी बच्चा मेरी जिंदगी, ये बहुत प्यारी बेटी है मेरी, देख रहे ना, देखने में भी लग रही है ना प्यारी। किसको किसको सानवी प्यारी लग रही है, किसको किसको? तो सानवी के लिए एक कमेंट करिएगा, तो आज ये नटखटी किसको किसको प्यारी लग रही है, लेकिन है बहुत नटखटी, चुलबुली बेटी है, चुलबुली। ए चुलबुली रुक ना, इतना लोग किसी नहीं करता वीडियो में, नहीं वीडियो में नहीं करिए। देखा अच्छा उसका खाली बदमाशी, कुछ ना कुछ चलते रहता है इसका। अब आ गई हमारी मानवी, मानवी बिटिया और सानवी बिटिया, मानवी बिटिया सानवी बिटिया।
बहुत बदमाश है इन दोनों, बहुत तंग करती है। जब दोनों मिल जाए ना तो महाभारत जो होता है ना वही होने लगता है। बापरे चलो गाइस अब इस वीडियो को रहने देते हैं, पर फिर बेटा फिर शुरू हो गए मालवी। इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। सानवी तुम छोटी थी तो तुमको सब आता था, बोलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। अच्छा। सानवी जब छोटी थी तो ऐसे ही बोलती थी, देखना हमारा कभी पीछे का कोई टाइम मिले तो वीडियो उठा के, सानवी बोलती थी वीडियो अच्छी लगे तो बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन बटन तोड़ दीजिए, तोल दीजिए, ऐसा बोलती थी, बेल आइकन बटन तोल दीजिए, तोड़ दीजिए। इसे मत करना बच्चा, तुमको प्यारी लगती है, तुम भी हमको बहुत प्यारी लगती है, सबकी मम्मा सबको प्यारी लगती है, सबका बच्चा सबको प्यार। फिर अरे यार तू सलूता नहीं ना कर, देख रहे गाइस जी बहुत बदमाश है, इधर आओ, देख रहे इसको। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर कर दे रहे हैं, इंड सानवी को पकड़ के सुला दे रहे हैं, सानवी को निन्नी करने का जरूरी आ गया है, तो इसको पकड़ेंगे नदी तुरंत अभी निन्नी कर देगी। तो चलिए बाय बाय, बोलो बाय बाय, सच्ची वाली बाय बाय, सच्ची वाली गुड नाइट, सच्ची वाली टेक केयर, ऑल ऑफ यू बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली अगली वाली ब्लॉग में। कौन सी वाली ब्लॉग में मिलेंगे? अगली ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय, अगली 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 में मिलेंगे, अगली में।